मेरा खर्चा करने के लिए कोई भी नहीं है घर पे, तो मैं अकेली हूँ और मेरे साथ मेरे 3 बच्चे हैं। वीना हमारी टीम का बहुत ही अहम हिस्सा है, उसने प्रोडक्ट्स टीम अभी हाल ही में ज्वाइन की है। तो मम्मी पापा भी ऐसे ही हैं बूढ़े, तो उनको भी संभालना पड़ता है। मैं पीपल फार्म में यहाँ पे प्रोडक्ट्स में काम करती हूँ। यहाँ पे मैंने आकर नए नए प्रोडक्ट बनाने भी सीखे, और जो भी कोई नया आता है उनको भी दिखाती हूँ। मैं हाफ टाइम तक काम करती थी, तो उससे मेरा घर का गुजारा नहीं होता था। तो मैंने मैम से बात की, जाकर मैम से कहा कि मेरा जो हाफ टाइम में काम है उसकी सैलरी से मेरे मतलब घर का खर्चा नहीं चल रहा है, तो मुझे फुल टाइम जो है जो बहुत जॉब चाहिए। अब ये मेरे लिए एक नई समस्या थी, क्योंकि मैं नहीं चाहती थी वीना जो हमारे घर के इतने पास रहती है उसे काम की तलाश में घर से कहीं दूर जाना पड़े। तो मैंने इसके बारे में सोचना शुरू कर दिया कि ऐसा कौन सा काम है जो मैं वीना को दे सकती हूँ। पीपल फार्म में काम के साथ साथ स्टाफ भी धीरे धीरे बढ़ रहा है, पर जो मेजॉरिटी ऑफ एज ग्रुप है वो 25 से 27 साल के यंगस्टर्स की है। अब जब इन्हें भूख लगती थी ना, तो ये जाके चिप्स या नमकीन के पैकेट खरीद लेते थे। अब हमारा जो फार्म है वो सस्टेनेबल लिविंग प्रमोट करता है, तो इन यंगस्टर्स को काफी गिल्टी भी फील होता था कि इनकी वजह से रोज प्लास्टिक वेस्ट जनरेट हो रहा है। अब जो वीना की समस्या थी ना, उसका हल हमने निकाला इस समस्या से और बना टीन टपरी कैफे। टीन टपरी कैफे हमारे फार्म की किचन में ही चल रहा है, जहां पे वीना तरह तरह के वीगन स्नैक्स बना रही है। अब मेरी जो दोनों प्रॉब्लम्स थी वो सॉल्व हो गई, तो जो प्लास्टिक जनरेट हो रहा था वो भी अंडर कंट्रोल हो गया, और वीना जिसको एक्स्ट्रा पैसे चाहिए थे उसकी भी एक इनकम सोर्स बन गई, जिसकी वजह से अपना घर वो एक बेहतर तरीके से चला पा रही है। देखिए, हम दुनिया में आए हैं तो हमें जीने के लिए पैसों की जरूरत तो पड़ेगी ही, पर वो पैसा कमाने के लिए बजाय कि हम एक ऐसी बड़ी कॉरपोरेशन बन जाएं जो लोगों के अंदर डिजायर्स उत्पन्न करती हैं बिना एनवायरनमेंट की परवाह करते हुए, फिर उन डिजायर्स को फुलफिल करने के लिए अपना पूरा पूरा जीवन कोलू की बैल की तरह पिसते रहते हैं, क्यों ना वो पैसे हम इस तरह से कमाएं ताकि जो लोगों की ज़रूरतें हैं उन्हें हम जिम्मेदारी और एक सस्टेनेबल तरीके से पूरा कर सकें।